एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द लेमैन वे जहां पे हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यू प्रीलिम्स 2022 है ना और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के साथ है ना तो इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के साथ स्टार्ट करेंगे एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल डो नॉट फॉग टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कम एंड इन द सेक्शन डाउन बिलो की लेक्चर कैसा चल रहा है फीडबैक प्लीज दिया करो है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला टॉपिक uh, स्टार्ट like, uh, करते हैं दैट इज़ अबाउट इंडियन पी फॉल है ना तो इंडियन पी फॉल्स कौन होते हैं तो आपको पहले नाम से समझ में आ रहा होगा कि पी फॉल से आपको ध्यान में आ रहा होगा यार पी फाउल जैसा हमने कुछ सुना हुआ है ना हमने पी काक सुना हुआ है ना पी काक सुना हुआ है अच्छा मेरे को ये बताओ कि जो पी काक होता है वो मेल होता है कि फीमेल होता है आधे लोगों को लगता है कि ये फीमेल होता है <laughs> आधे लोगों को लगता है कि ये फीमेल होता है बट ये फीमेल नहीं होता है पी काक जो है वो मेल होता है ना वो मेल होता है तो ये ध्यान रखना पीकॉक इज अ मेल है ना इट्स नॉट अ फीमेल और तो नाम से लग रहा होगा कि फीमेल है बट इट इज़ अ मेल है ना तो पी फाउल ये बेसिकली जो पीकॉक होता है ना वो पी फाउल कैटेगरी में ही आता है तो ये ये जो स्पीशीज का ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं पी फाउल्स तो पी फाउस बेसिकली ऐसे यू नो बर्ड्स होते हैं जो अपना जो यू you नो know, जो मतलब नेस्ट होता है वो नेस्ट तो ग्राउंड पे बनाते हैं है ना बट वो रेस्ट करने के लिए नेस्ट वो ग्राउंड पे बनाते हैं बट वो रेस्ट कहाँ करते हैं रेस्ट वो करते हैं ट्रीज़ की ब्रांचेस पे है ना जैसे पी काक करते हैं ना ट्रीज़ की ब्रांचेस पे करते हैं तो नेस्ट ग्राउंड में करते हैं रेस्ट कहाँ करते हैं ट्रीज़ में करते हैं ना तो वो होते हैं पी फाउस अब इसकी कैटेगरी में जो मेल्स वाले होते हैं जैसे इंडिया में पी की अगर मैं बात करूँ तो उनको पीकॉक बोलते हैं है ना जो मेल्स होते हैं उनको पीकॉक बोलते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं पी हैंस है ना तो याद रखना मेल को पीकॉक बोलते हैं फीमेल को पी हैंस बोलते हैं ना तो अभी इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इसीलिए न्यूज़ में था है ना ओनली मेल्स आर कॉल्ड पीकॉक्स ये ध्यान रखना फीमेल्स को पी हैंस बोलते हैं ना? और इन दोनों को मिला के जो ग्रुप होता है उनको हम पी फाउल्स बोलते हैं ना तो इंडियन जो पीकॉक है वो नेशनल बर्ड है इंडिया का ये सबको पता है ना कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन है इंडियन पीकॉक मेरे को एक चीज़ बताना नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है नेशनल एक्वाटिक एनिमल इंडिया का कौन है है ना ये भी बताना कमेंट करके बताना नीचे नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है उसके बाद पी फाउल जो होते हैं वो इंडिया के नेटिव है, है ना कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान और श्रीलंका में भी मिलते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस की हम बात करें तो शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन दिया गया है आई यू सी स्टेटस की अगर हम बात करें तो इंडियन पी फाउल लीज कंसर्नड है और जो ग्रीन पीकॉक है वो इंडेंजर्ड है ना तो याद रखना इंडियन पी फाउल जो है वो लीज कंसर्ड है मतलब इंडियन पीकॉक और इंडियन पी हैं वो लोग लीज कंसर्ड है और जो ग्रीन पीकॉक है वो इंडेंजर्ड है ना कि फॉरेस्ट बर्ड्स होते हैं जो नेस्ट ग्राउंड पे करते हैं बट रूस्ट इन ट्रीज मतलब रेस्ट वेस्ट जो है वो ट्रीज में करते हैं ना टेरेस्ट्रियल फीडर्स होते हैं मतलब ज़मीन पे आके खाते हैं है ना इंसेक्ट्स वगैरह या जो भी खाते हैं वो आ, मतलब ग्राउंड में आके खाते हैं, हैं ना तो ये हो गया अबाउट इंडियन पी फाउल है ना उसके बाद बात करते हैं एक मिनट उसके बाद बात करते हैं कोरल रीफ्स के बारे में है ना तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं पहले इनकी एक बार एनाटॉमी हम समझ लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं कोरल रीफ्स में बेसिकली आप देखो एक कप ऑफ कोरल होता है ना ये एक कप ऑफ कोरल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट्स से बना होता है ना इसका हम थोड़ा ये ब्लैक पेन चेंज कर देते हैं इसको हम कर देते हैं ब्लैक में है ना तो ये जो है ये बनता है किससे ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट्स है ना इस ये कप ऑफ कोरल होता है इसके अंदर ये कोरल पॉलिप एनिमल्स होते हैं ये जो जिसके टेंटेट tentacle, टेंटेकल्स दिख रहे हैं ना आपको इसको हम बोलते हैं कोरल पॉलिप है polyp, ना अब ये पॉलिप के जो टेंटेकल्स होते हैं ना उसमें एलगे ही होते हैं एलगे ये इस अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो इसमें आपको ये ऐसे एलगई दिखेंगे जिनको हम बोलते हैं जूज है ना ये जो कलर आता है कोरल कोरल्स का जो ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं ना आपने देखा होगा कोरल्स के बहुत ही ब्यूटीफुल कलर होते तो हैं रेड ग्रीन ब्राउन इस टाइप से तो वो किससे आता है वो इन एलगई से आता है ना तो ये ये बेसिकली इसको जो है जो एलगई है वो इसको कलर प्रोवाइड करते हैं है ना और ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन आ, इन इन रिटर्न तो एक सेम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना और एलगई इनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंटर्न है ना तो इसी ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तो ये ध्यान रखना सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कि जो एक दूसरे में एक दूसरे को जब लोग यू नो बेनिफिट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना समझ में आ गया चलो अभी आगे बात करते हैं कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स किसने रिलीज करी है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ने ठीक है तो ये जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ने रिलीज़ की है कोरल रीफ्स मैंने बता दिया अंडर वाटर इको होते हैं और इनको ना इनको बेसिकली <coughs> इनका जो बायोडाइवर्सिटी है जो कोरल रीफ में होता है ये मरीन में सबसे ज़्यादा होता है, है ना इनफैक्ट ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा होता है ठीक है तो इतना ज़्यादा यू नो बायोडाइवर्सिटी रिच इन यू नो इको है कोरल रीफ का है ना तो <coughs> जो इंडोनेशिया है उसमें लार्जेस्ट कोरल रीफ है कहाँ पर इंडोनेशिया में या आपको याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है है ना ये भी आपको पतागा पता होगा ये लार्जेस्ट एग्रीगेशन है कोरल रीफ्स का को। मतलब खूब सारे कोरल रीफ्स आके आपस में आ, एक पर्टिकुलर यू you नो know, एरिया में स्प्रेडेड है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेट बैरियर रीफ है ना इंडिया में कौन कौन सी लोकेशन पे हैं इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार में है अंडमान एंड निकोबार में है लक्षद्वीप आइलैंड्स में है और गल्फ़ ऑफ कच्छ में है तो कच्छ यहाँ पे आपका गुजरात में है है ना लक्षद्वीप आपका इधर है अंडमान इधर है और मन्नार इधर है तमिलनाडु के कोस्ट पे है ना तो ये चार जगह आपको क्या मिलेंगे ये चार जगह आपको कोरल रीफ्स इंडिया में मिलेंगे है ना रिपोर्ट की हाईलाइट की बात करें तो इसमें बोला गया कि बहुत ही ज़्यादा हम इनका डिग्रेडेशन कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन, बहुत दिक्कत हो रहा है इनको है ना मतलब बहुत सारे कोरल्स को हम लूज़ भी कर रहे हैं है ना कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, है ना क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है अच्छा इनमें ये एक बार आप रिवाइज़ करना जाके कि इनकी कंडीशंस क्या हैं कोरल रीफ्स के बनने की जोग्राफी का पार्ट है ये है ना एक बार देखना कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए सत्ताईस डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए जनरली ये ट्रॉपिकल रिच वाटर्स में यू नो दे इनहैबिट है ना मूविंग एगिटेटेड वाटर्स होने चाहिए है ना एगिटेटेड वाटर्स होने चाहिए है ना इस टाइप से और शैलो और शैलो रीजन्स में ही ये मिलते हैं है ना और सनलाइट आनी चाहिए तभी बनेंगे है ना वाटर थोड़ा वार्म होना चाहिए ऑल दो कोल्ड वाटर्स में भी होते हैं तो ये सारे कंडीशन जाके आप एक बार रिवाइज कर लेना है ना तो <coughs> राइजिंग ओशन टेम्परेचर जो है उन्होंने चौदह परसेंट जो है वर्ल्ड कोरल लीव को ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है मतलब किल कर दिया है ना तो ये हाईलाइट था रिपोर्ट का उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट कॉर्बेट नेशनल पार्क ठीक है तो इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात की गई है लोकेशन क्या है उत्तराखंड में है ठीक है तो एक ब्यूटीफुल बात यह है इसके बारे में कि कॉर्बेट नेशनल पार्क इनिशियली हेले नेशनल पार्क था, था है ना हेले नेशनल पार्क था उसके बाद इसका नाम पड़ा था रामगंगा ठीक है उसके बाद फिर से इसका नाम चेंज करके कॉर्बेट कर दिया गया जिम कॉर्बेट है ना तो अभी फिर से इसका नाम रामगंगा गंगा नैश ये राम गंगा पार्क करने की बात कर रही बात हो रही है ना कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसमें डेंस मॉइस्ट डेसीडेस फॉरेस्ट आपको मिलेगा है ना 1963 में इसको सेटअप किया गया था है ना एज इंडियाज़ एंड एशियाज फर्स्ट नेशनल पार्क कॉल्ड हेले नेशनल पार्क है ना इट वज रीनेम टू रामगंगा नेशनल पार्क आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर 1956 के बाद इसको आगे कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया है ना इसमें ही हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1973 में सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो टाइगर की है वो इसी नेशनल पार्क में है ना सिंगल लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन अ टाइगर रिजर्व काम है कॉर्बेट नेशनल पार्क में ठीक है ये सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उसका पार्ट है एंड इट इज ऑल्सो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ठीक है तो जो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है है ना वो एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है किसके लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए ठीक है समझ आ गया <coughs> इंडिया में और दो नए टाइगर रिजर्व को यू you नो know, अप्रूवल दिया गया है पहला है दोनों ही छत्तीसगढ़ के हैं एन टी सी ने अप्रूवल दिया है कौन सा है गुरु घासिया दास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दोनों को भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है ना ये फोर्ट टाइगर रिजर्व होंगे छत्तीसगढ़ में आफ्टर उदांती सितान्दी अचानक मार एंड इंद्रावती रिजर्व ठीक है तो हम एक बार ना इसका लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये लोकेशन इनका एक मिनट इसको हम ब्लैक पेन कर देते हैं एक बार लोकेशन मार्क कर लेते हैं ना चलो तो अभी ये देखो ये है ये दोनों ही जो हैं ये छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न साइड पे है ना तो ये जो आपका गुरु घासियादास और तामोर पंगला है ये दोनों ही यहाँ पे हैं देखो यहाँ पे है ये गुरु घासियादास इधर इधर आप देखोगे तो ये है गुरु घासियादास है ना दिस इज़ गुरु घाजी और ये तो दिख ही रहा है आपको तामोर पिंगला है ना तामोर पिंगला भी इधर है है ना इधर बॉर्डर पे है ठीक है तो ये दोनों ही नॉर्थ में है छत्तीसगढ़ के ये आपको याद रखना है उसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हो तो संजय दुबरी इधर पड़ता है संजय दुबरी है ना ये रहा संजय दुबरी उसके बाद और नीचे आते हो तो अचानक मार पड़ता है अचानक अचानक मार अचान कुमार है ना ये पड़ता है ना उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो उदानती सतान्ती पड़ता है ये येरा उदान्ती सितान्ति है ना उसके नीचे आओगे तो इंद्रावती पड़ता है है ना तो इस टाइप से आपको याद रखना है ना कांगेर घाटी इधर पड़ता है है ना इधर और उसके बाद नीचे हुआ तो पामिर पामेर तो अब इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है बट हाँ मेजर याद रखो इंद्रावती याद रखो कांगेर घाटी याद कर सकते हो उदांति सितानती पता होना चाहिए है ना उसके बाद आपका अचानक अचानक मार पता होना चाहिए है ना संजय धुबरी पता होना चाहिए तामोर पिंगला सेंस न्यू ऐड हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड गुरु घासी ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये आपको सारे लोकेशंस मार्क करने गुरु घासीदास में यहाँ पर आया ठीक है चलो अभी हम तामोर पंगला के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं एक मिनट तामोर पंगला के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो कहाँ है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है हमने देखा था ऊपर एकदम ऊपर में झारखंड इधर था और उत्तर प्रदेश इधर था ना इधर 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 था बेसिकली ये पूरा स्प्रेड है इधर है ना यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और इधर झारखंड का है ना तो शेयर करता है एंड किसके आफ्टर नेम किया गया इसको तामोर हिल एंड पिंगला नाला के नाम पे इसको दिया गया है ना तो यही है यहाँ पे क्या कौन से ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे आपको मिक्स डेसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे है ना वही डोमिनेट करते हैं सेंचुरी को ठीक है समझ में आ गया आगे, आगे बढ़े चलो उसके बाद एन्वायरमेंट की बात आगे बात करते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं दैट इज़ अबाउट हाई एम्बिशन कोशन फॉर नेचर एंड पीपल ठीक है अब नाम से क्या पता चल रहा है हाई एम्बिशन एम्बिशन हाई होना चाहिए कोइलेशन है मतलब कुछ लोगों का पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप है फॉर नेचर तो लोग जो लोग नेचर के प्रति यू नो जागरूक हैं उनका कुछ एक ग्रुप है है ना उस टाइप से ही है ये ठीक है तो क्या है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है है ना जो जो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी uh, है है ना इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया है ना इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप चैम्पियनिंग अ ग्लोबल डील फॉर नेचर एंड पीपल दैट कैन हॉल्ट द एसलरेटिंग लॉस ऑफ स्पीशीज प्रोटेक्ट वाइटल इकोसिस्टम्स है ना दैट आर द सोर्स ऑफ अर इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना तो जो बेसिकली <coughs> इतना ज़्यादा यू नो हम लोग बर्बाद कर रहे हैं अपने इको को स्पीशीज़ का इतना एक्सटेंशन हो रहा है सिक्सथ मास एक्सटेंशन इज़ ऑन द वे तो उसको यू नो डिसेट करने के लिए बेसिकली है ना उसको होल्ड करने के लिए ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है है ना ये कब इनिशिएटिव हुआ था वन प्लानट समिट जो हुई थी पेरिस में जनवरी 2021 में जिसको को चेयर किया था कोस्टा रिका और फ्रांस ने उसमें इसको बेसिकली uh, इनिशिएट किया गया था है ना एम इसका यही है कि हम प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट थर्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड ओशन बाई टू इसी को ही हम बोलते हैं थर्टी बाय थर्टी टारगेट है ना इसी को ही हम क्या बोलते हैं थर्टी बाय थर्टी टारगेट है ना तो ये याद रखना कि हम वर्ल्ड के जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लैंड पार्ट है और ओशंस पार्ट है उसका थर्टी परसेंट हम प्रिजर्व करेंगे बाय टू थाउजेंड थर्टी ठीक है समझ में आ गया उसके बाद आगे बात करते हैं जावन गिबोन के बारे में गिबोन क्या होते हैं ये ऐसे यू नो मंकी टाइप के होते हैं ये देखो है ना ऐसे इसकी पूछ खींच रहा है मेरे को देख के इतना हंसी आया था कितने मजे ले रहे हैं इसको देखो एनी आगे बढ़ते हैं इस टाइप के होते हैं गिबॉन ठीक है इस टाइप के होते हैं गिबॉन है ना तो ये uh, सिल्वरी से, ये तो काले रंग का है बट इन जनरल बता रहा हूँ सिल्वरी गिबॉन uh, जिनको हम जावन गिबॉन भी बोलते हैं जो सिल्वर कलर के होते हैं है ना इज़ अ प्राइमेट एंडेमिक एंड ऑनली इन इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ जावा ठीक है तो इंडोनेशिया में ही बस ये मिलता है आई यू सी एन स्टेटस क्या है इंडेंजर्ड तो ये आपको याद रखना है आई यूसीन स्टेटस क्या है इंडेंजर्ड है कहाँ मिलता है इंडोनेशियन आइलैंड में मिलता है ठीक है दिस इज अबाउट जावन गिबॉन उसके बाद आगे बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने अब एन को ये पावर दे दी कि दे दी है कि वो सुओ मोटो जो है वो यू नो पेनल्टी लगा सकते हैं मतलब खुद से लगा सकते हैं पहले क्या एन के पास कंप्लेन जान जा, जाती थी पहले एन के पास कम्प्लेन जानी चाहिए तभी वो एक्शन लेता था बट अब वो बिना यू नो खुद से भी ले सकता है कहीं अगर वॉल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट के रूल्स का है ना तो क्या है एन जी इसको बेसिकली एन एक्ट नाइ में यू नो इस्टलिश किया गया था है ना स्पेशलाइज बॉडी है तो ऑब्वियसली किसी एक्ट के तहत बनी है तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इश्योर्स एफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेडिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो इवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो भी केसेस हैं उससे ये डील करती है उसको जल्दी से निपटारा करती है उसका है ना और जस्टिस uh, इन्श्योर करती है इन्वायरमेंटल जस्टिस इंश्योर करती है, है ना ट्राइब्यूनल है तो इन्वायरमेंटल जस्टिस इंश्योर करेगी फाउंड बाय रिप्लेसिंग द नेशनल इन्वायरमेंट अपलेट अथॉरिटी पहले थी है ना उसकी जगह उसको बनाया गया तीन मेजर इसमें बॉडीज हैं लोग होते हैं चेयरपर्सन होते हैं जुडिशियल मेबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जो पाँच साल के टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं और री अपॉइंटमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है ठीक है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट यह आपको याद रखना है पाँच साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है ठीक है सामने आ गया आगे बढ़े चलो आगे अगला आर्टिकल इज़ अबाउट इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ठीक है तो नाम से ही पता चल रहा है इकोलॉजिकल थ्रेट तो जो भी हमारी इकोलॉजी में थ्रेट्स हो रहे हैं ना जो भी जो भी जो भी हमारे थ्रेट है इको सिस्टम के जैसे डिजास्टर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा है ना क्लाइमेट uh, चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है है ना uh, इस टाइप की जो चीज़ें हैं इस इस पर ये रिपोर्ट है बेसिकली है, है ना तो कौन से देश बेसिकली इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कौन कितना रेजिलियट है मतलब कौन कितना यू नो मैनेज कर सकता है ये थ्रेड्स को उस पर ये रिपोर्ट है अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल थ्रेड्स रेजिलियंस एंड पीस किसकी है ये रिपोर्ट किसने स्टैब्लिश की है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस तो याद रखना किसने स्टैब्लिश की है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ठीक है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने की है ऐसी इसकी और रिपोर्ट कौन सी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी यही रिलीज़ करता है ठीक है तो ये याद रखना है ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ठीक है तो इसने डेटा डेटा एनालाइज किया है कितनी कंट्री से 178 कंट्री से यू नो डेटा लिया है और उसके बेसिस पे रैंक किया है कि कौन कितना रिस्क में है फूड रिस्क वाटर रिस्क है ना रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ किसमें सबसे ज़्यादा है टेम्परेचर अनोमलीज और नेचुरल डिजास्टर्स इन थ्रेड से इन थ्रेड्स के बेसिस पे, पे कंट्रीज को रैंक किया है कि कौन ज़्यादा वन है कौन कम वन है है ना इस टाइप से इसने कंट्रीज़ को रैंक किया है ना तो मोस्ट वलनरेबल कंट्रीज़ जो है, है ना वो कौन कौन सी हैं मिडिल ईस्ट वाली है नॉर्थ अफ्रीका है सब सहारन अफ्रीका है और साउथ एशिया है तो ये ध्यान रखना आप साउथ एशिया है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बेसिकली और मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया ये जो है वो मोस्ट मोस्ट प्रॉबली ज़्यादा बहुत ज़्यादा वनरेबल है है ना तो ये हो गया अबाउट डीकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट उसके बाद अगला आर्टिकल इज़ अबाउट हाइड्रोपोनिक्स व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स नाम में ही देखो क्या है हाइड्रो हाइड्रो मतलब क्या होता है वाटर होता है, है ना हाइड्रो मतलब वाटर होता है पॉनिक्स कुछ नहीं होता है पॉनिक्स मतलब ग्रो करना uh, मतलब uh, पेड़ों को उगाना प्लांट को उगाना क्रॉप को उगाना है ना तो पानी का यूज़ करके बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें सॉयल नहीं रहता है हम इसमें सॉइल का यूज़ नहीं करते हैं हम इसमें पानी न्यूट्रियट रिच वाटर से ही हम जो है अपनी क्रॉप्स को उगाते हैं समझ में आ रहा है तो जैसे अभी क्या होता है अभी नॉर्मल नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि आप सॉइल में जाके सीड बो है ना फिर सीड बोते हैं हम फिर उसमें हम पानी डालते हैं फर्टिलाइजर डालते हैं और फिर जाके यू you नो know, वो 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 क्रॉप उगती है है ना बट इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है इसमें ऐसा होता है देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है देखो ये ऐसा होता है कि इसमें जैसे ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर है ये वाले इसमें हमने सारे न्यूट्रिय डाल दिए हमने फ़र्टिलाइजर वगैरह जो भी जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं वो डाल दिए अब हम क्या करेंगे अब हम ये जो सीड्स हैं ना इनको एक ट्यूब में प्लांट कर देंगे ऐसे एक ट्यूब में प्लांट कर देंगे इस टाइप से और वहाँ पर हम ये न्यूट्रियन रिच वाटर जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे है ना और यहाँ से आर्टिफिशियल लाइट देंगे हम है ना जैसे सन की लाइट चाहिए होती है ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए है ना तो इस टाइप से हम इसको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं और ये बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग यू नो मार्केट है इकोनॉमी में इनफैक्ट जापान इसराइल और यू नो जर्मनी इन 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 जगह पे तो ये ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रहा है है ना ऐसे ही टेक्निक्स uh, जैसे वर्टिकल फार्मिंग हो गई हाइड्रोपोनिक्स हो गया इनसे ही यू नो आज कल जो है वो क्रॉप्स uh, उगाई जा रही हैं है ना समझ में आ रहा है तो जैसे आप कभी सुपर में जाते हो तो वैसे आप देखते हो ना उस टाइप के होते हैं जो पन्नी में पैक्ड होते हैं जो ऐसे पैकेड पैकेड वेजिटेबल्स आते हैं वो यही से ही आते हैं वेजिटेबल ये वर्टिकल फार्मिंग और यू you नो know, हाइड्रोपोनिक्स इन सब से ही यू you नो know, उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है ना तो इसमें क्या होता है इसमें हम सॉइल यूज़ नहीं करते हैं इसमें हम न्यूट्रेंट रिच वाटर से ही क्रॉप को उगाते हैं समझ में आ गया सिंपल है कोई बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है बहुत ज़्यादा टफ तो था नहीं है ना उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट रेड स्टैंडर्ड्स रेड क्या है रेड स्टैंडर्ड्स क्या है सैंडलवुड मतलब चंदन है ना तो लाल कलर का चंदन टाइप का होता है ये चंदन ही होता है मतलब लाल कलर का चंदन होता है इस टाइप से है ना तो ये कहाँ मिलता है ये हमको साउथ इंडिया में मिलता है वहीं कहीं ये स्पेशलिटी है ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट जो है पालकोंडा और सेशलम हिल रेंजेस के आंध्र प्रदेश और केरला में वहाँ इसको पाया जाता है और तमिलनाडु और कर्नाटका में भी इसको पाया जा सकता है तो कहाँ कहाँ साउथ इंडिया में पूरा है मतलब समझ लो आंध्र प्रदेश केरला तमिलनाडु और कर्नाटका यहाँ पे आपको रेड सैंडर्स मिल जाएगा आयु सी का नियर थर्ट है ना इट इज़ नोन फॉर इज थिरोपैटिक प्रॉपर्टीज़ तो इसका मेडिकल नेचर के uh, मतलब ऐसा माना जाता है कि चंदन का अगर आप लेप लगाओ यू uh, नो you know, सर पे तो उससे बेसिकली आपके स्ट्रेस व्रेस रिमूवल हो जाता है और इस टाइप से uh, भी माना जाता है वहाँ साउथ इंडिया में है ना तो इस टाइप से इसकी थिरोपैटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए इसको मतलब ये रेड सेंड्रस होता है, है ना उसके बाद आगे बात करते हैं सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ के बारे में तो इसी से रिलेटेड एक डिसीज़ है डेट इज कॉल्ड सैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ ये एक इन्फेक्श डिसीज़ है जो एक फाइटोप्लाज्म प्लाज्म कॉज करता है फाइटोप्लाज्म इज नथिंग बट अ बैक्टीरिया विदाउट अ सेल वॉल है ना तो एक बैक्टीरिया होता है जिसकी सेल वॉल नहीं होती है है ना वो फाइटोप्लाज्म होते हैं तो ये बेसिकली कहाँ से ट्रांसमिट होते हैं इन इन प्लांट्स में ये वैक्टर्स मतलब जो डिसीज़ कैरिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कोई इंसेक्ट आ गया मान लो उसने स्टिंग मारा है ना तो वहाँ से ट्रांसफर हो गया ये इस टाइप से विच आर ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट वैक्टर्स है ना एंड इन्वॉल्व इन प्लान टू प्लांट ट्रांसमिशन है ना तो यही बेसिकली इंसेक्ट जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट जाके इसको ट्रांसमिट करते हैं इस डिसीज़ को है ना अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है ठीक है तो ये पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में इन एटीन तो ये आपको याद रखना है ना अबाउट सैंडलवुड स्पाइक डिसीज उसके बाद आगे बात करते हैं द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टू स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट भी याद रखना है इसमें कौन रिलीज करता है बाय वर्ल्ड मेट्रलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो उसको रिलीज कौन करता है डब्ल्यू है ना तो क्या फोकस है इसका इसका फोकस है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज में तो जो लैंड पे वाटर है उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं है ना जितना भी वाटर है जितना सरफेस में है ग्राउंड वाटर है मॉइस्चर है है ना स्नो है आइस है इन सब को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं उसके बारे में ये बात करता है ना तो अभी ये बोला गया है इस रिपोर्ट में कि भाई जो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज है उसका जो रेट है वो वन सेंटीमीटर पर ईयर से डिक्रीज़ हुआ है बीस सालों में है ना इंडिया इंडिया में जो है वो हाइएस्ट लॉस्ट लॉस हुआ है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज है ना इज द लॉस ऑफ द वाटर स्टोरेज इन इंटार्टिका एंड ग्रीनलैंड इज एक्लूटेड तो अंटार्टिका और, और अगर और अगर ग्रीनलैंड को हटा दो तो इंडिया में सबसे हाइस्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड में ठीक है द नार्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हेज़ एक्सपीरियंस मैक्सिमम लॉस विद इन द कंट्री तो भाई वहाँ पर एग्रीकल्चर इतना है पंजाब हरियाणा में कितना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है ना तो इन सब में इस वजह से नार्दर्न इंडिया में ज़्यादा बेसिकली लॉस हुआ है ना तो ये इस रिपोर्ट में बोला गया उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये क्या है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मीटरलॉजी के काम यू नो एरिया में काम करती है हेड क्वार्टर का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है मेम्बर स्टेट्स कितने वन नाइन्टी इसके मेम्बर स्टेट्स हैं तो ये आपको याद रखना है, है ना उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट न्यू किकारा स्पीशीज़ किकारा क्या है किकारा इज़ बेसिकली इंसेक्ट होते हैं ये देखो ये है दिस इज किडा है ना दिस किकारा बहुत नॉइजी होते हैं है ना तो किकाडा स्पीशीज जो है ये नई नई स्पीशीज को डिस्कवर किया गया इसका नाम क्या है प्लेटोमिया खो मेसिसमेनसिस ठीक है <laughs> ये तो ये साइंटिफिक नेम इतना टफ होता है ना प्रनाउंस करने के लिए कि प्रोनाउंस ही नहीं हो पाता है प्लेटोमिया कोहिम मेस नियस, मेनेसिस यार पढ़ लेना इसको <laughs> कोसिस को है ना इसको डिस्कवर किया गया है नागा हिल्स में वैसे भी आपको प्रोनाउंस तो करना नहीं है आपको तो वहाँ मारना है ना वो मारना है तो बस ये याद रखना कि ये जो प्लेटोमिया है करके है ये एक किकाडा स्पीशीज़ है इंसेक्ट की स्पीशीज़ है कहाँ मिली है नागा हिल्स में मिली है है ना दे आर हेमिप्टेरियन दैट एक्ट्स एज इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी फॉरेस्ट इको सिस्टम तो अगर फॉरेस्ट हेल्दी होता है तो ये वहाँ स्पीशीज़ मिलते हैं है ना सवाजना मिराबिलिस एंड सलवाजना एम्पेरलिसिस वर्ड डिस्कवर्ड इन मेघालय ये भी दो स्पीशीज़ हैं किकाडा स्पीशीज़ यही दो नए स्पीशीज़ हैं जिनको आ, मतलब ये दोनों स्पीशीज़ भी मेघालय में डिस्कवर किए गए हैं ना बस ये आपको याद रखना है उसके बाद आगे बात करते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में क्या है ये सेंट्रल जू अथॉरिटी ये एक स्टूटरी बॉडी है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंदर स्टैब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ना तो ज़ू अथॉरिटी है क्लाइमेट से डील करती है नेचर से डील करती है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से ही डील करती होगी है ना तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको बनाया गया था स्टेटुटरी बॉडी है ठीक है 1992 में बनी है चेयर कौन करता है इन्वायरमेंट मिनिस्टर चेयर करते हैं और इसके साथ साथ 10 मेंबर होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है है ना मेन ऑब्जेक्टिव क्या ही होगा क्या ही हो सकता है जू जू में क्या हो सकता है कि भाई नेचुरल एफर्ट लाओ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो यही होगा है ना तो इट इज़ टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडावर्सिटी है ना ऑफ द कंट्री एंड पर्टिकुलरली द फोना एज पर नेशनल जू पॉलोसी पॉलिसी नाइनटीन तो बेसिकली फोना और बायोडावर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट ढोल तो ढोल क्या है ढोल एक एशियाटिक वाइल्ड डॉग है जो एक फॉक्स की तरह दिखता है ये देखो है ना है डॉग की स्पीशीज़ बड़ी है फॉक्स की तरह दिखती है है ना रेड uh, डॉग बोलते हैं विस्लिंग डॉग भी बोलते हैं इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ जर्मन शर्पर्ट तो जर्मन शर्पर्ट अगर आपने देखा हो तो इतना बड़ा होता ही है ना बट लुक्स मोर लाइक अ लॉन्ग लेग्ड फॉक्स है ना इट इज़ ने कहाँ मिलता है ये सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है ना एपेक्सप्रेटर्स होते हैं फॉरेस्ट इको में है ना मार के खाते हैं बेसिकली वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में इनको पाया जा सकता है है ना आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन से ऐसे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में कौन से ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे हम इसको स्पॉट कर सकते हैं है ना ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में ये इंस्टाग्राम सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप हर जगह मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं है ना आई यू सी एन की लिस्ट में क्या है इन डेंजर्ड है ना तो ये आई यू सी एन की लिस्ट में क्या है दे आर इन ठीक है समझ में आ गया आगे बात करते हैं अबाउट न्यू आर्टिकल दैट इज अबाउट हॉप लॉसिस हॉप लोसी बास्तेस अरमा अरमाथूस फिर से एक साइंटिफिक नेम है प्रनाउंस नहीं हो रहा है हॉप लोस बस्तीस अरमातूस ये क्या है ये एक स्कॉर्पियन की स्कॉर्पियन फिश है ये देखो ये है ये जो नाम है ना अरमातुस दिस इज ये एक स्कॉर्पियन फिश है ठीक है लेसर नॉन स्कॉर्पियन फिश है अभी इसको इंडियन ओशन में भी स्पॉट किया गया है ना ये माना जा रहा है कि भाई टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसकी वजह से इनका माइग्रेशन हो रहा है ना तो बस इसीलिए ये न्यूज़ में था है ना उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट कमिंग डिक्लेरेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में तो क्या है ये कमिंग डिक्लेरेशन ऑन बायो कंजर्वेशन इसको बेसिकली हंड्रेड कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था जो फिफ्टीथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की उसमें इसको अडॉप्ट किया गया है ना थीम इस साल की है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ है ना यकी थीम है की पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस हुए इसमें इसमें क्या ही डिस्कस होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर है तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे वही मेन पॉइंट होगा है ना तो वही मेन पॉइंट है कि भाई हम मेन स्ट्रीम करेंगे बायोडावर्सिटी प्रोटेक्शन को इन डिसीजन मेकिंग है ना कोई भी हम अगर डिसीजन ले रहे हैं इंडस्ट्री सेटअप करने का या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन ले रही है उसमें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का जो टॉपिक है वो मेन स्ट्रीम उसको दिमाग में लेकर उसका डिसीजन मतलब उसका डिसीजन लिया जाएगा है ना डिसीजन लिया जाएगा रिकग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ है ना तो ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में भी बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन कितना हेल्प कर सकते हैं हम कितने सारे बेनिफिट्स यू नो मेडिसिन डिराइव करते हैं इको uh, सिस्टम से है ना तो जो यू नो ह्यूमन हेल्थ को बचाती हैं ह्यूमन हेल्थ को डिसीज़ फ्री रखती हैं तो उसको कंसिड्रेशन में लेके हम सारे डिसीजनस लेंगे टू सिंक्रोनाइज़ द बायोडाइवर्सिटी प्लान्स विथ थ्री यू एन डिकेट्स प्रोग्राम जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एको सिस्टम रिस्टोरेशन पे है ना वो सारे उनको हम दिमाग में लेके कर बेसिकली डिसजनस लेंगे है ना थर्टी बाय थर्टी टारगेट मैंने आपको बता दिया कि भाई वर्ल्ड के जो लैंड और ओशंस है, हैं उनका थर्टी परसेंट हम प्रोटेक्ट करेंगे बाय टू थाउजेंड थर्टी दिस इज थर्टी बाय थर्टी टारगेट समझ में आ गया इसके बाद इसमें एक फंड लॉन्च हुआ है दैट इज कॉल्ड कमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड है ना तो चाइना में चाइना ने प्लेज किए हैं टू थर्टी थ्री मिलियन डॉलर्स इस फंड में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन डेवलपिंग कंट्रीज ठीक है तो इसीलिए न्यूज़ बता उसके बाद सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की बात बात करते हैं कहाँ पे हुई है ये ग्लासगो में हुई थी फॉलो कर रहे हो न्यूज़ तो पता होगा ग्लासगो में हुई थी अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना तो जो यू है ये किस लिए काम करता है ये बेसिकली स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन एटमोसफियर तो ग्रीन हाउस गैस जो है जी एस जी जो हमारी हैं उसमें एटमासफियर जो उनका कंसनट्रेशन है एटमासफियर में उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये काम करता है, है ना तो सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स जो है ये चार गोल्स के लिए काम करेगा क्या क्या है कि भाई हम नेट जीरो एमिशन करेंगे है ना ग्लोबली हम नेट जीरो एमिशन करेंगे बाय मिड ऑफ़ द सेंचुरी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मतलब 1.5 पॉइंट डिग्रीज तक टेम्परेचर राइज को रोकने की कोशिश करेंगे है ना टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ एंड नेचुरल हैबिटेट्स है ना तो कम्युनिटीज़ और नेचुरल हैबिटेट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे फाइनलाइज अ प पैरिस रूल बुक मतलब जो पैरिस एग्रीमेंट में जो हमने रूल्स बनाए थे उसको हम आ, सारे लीडर्स मिलकर फ्रेम करेंगे एक लिस्ट डिटेल रूल्स की और उसको सब फॉलो करेंगे है ना उनको हम फाइनलाइज़ करके एक रूल बुक बनाएंगे बस यही है ना तो इंडिया में इंडिया ने बेसिकली इसमें कुछ नए नेशनल डेटामाइन कॉन्ट्रीब्यूशन अपडेट किए हैं इंडिया ने है ना तो वो हम देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो अब इंडिया के जो एन हैं उनमें जो नया एन है दैट इज़ कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल इन, जो नॉन फॉसिल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी हम 500 सौ गीगा वाट्स का करेंगे बाय 2030 है ना 50 परसेंट हम एनर्जी जनरेट करेंगे बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030 है ना ये नया एन है उसके बाद जो कार्बन एमिशन है उनको हम रिड्यूस करेंगे बाय वन बिलियन टन बाई टू थर्टी ठीक है ये नया टारगेट है उसके बाद कार्बन इंटेंसिटी जो है इकोनॉमी की वो हम फोर्टी फाइव परसेंट से कम करेंगे है ना <coughs> उसके बाद नेट जीरो एमिशन नेट आ, का जीरो कार्बन एमिशन हम अचीव करेंगे बाय टू थाउजेंड सेवेंटी तो ये सारे जो एनडीसीज़ हैं वो आपको याद होने चाहिए तो उसको बार बार पढ़ना याद हो जाएगा है ना तो ये आपको याद रखना है, है ना उसके बाद आगे बात करते हैं नया आर्टिकल दैट इज़ अबाउट बंगाल फ्लोरिकन है ना तो बंगाल फ्लोरिकन जो है इनको हम बंगाल बस्टर्ड भी बोलते हैं ना छोटे छोटे नंबर्स में मिलती है Cambodia में इंडिया में और कम्बोडिया में है ना तो ये आपको याद रखना है उसके बाद हाँ कुछ कुछ नेपाल में भी मिलती हैं है ना कुछ कुछ नेपाल में भी मिलती हैं और ये बांग्लादेश में बेसिकली ये लोग एक्सटेंड हो चुकी है है ना तो ये आपको याद रखना है तो स्पीशीज़ जो है ना? ये फ्लड प्लेन्स में मिलती है है ना दो लार्जेस्ट रिवर्स की गंगा और ब्रह्मपुत्रा में है ना आई यू सी इंसटस क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना ये आपको याद रखना आई सी एन स्टस क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना जो पॉपुलेशन है इनकी वो डिक्लाइन कर रही है है ना हैबिटेट और uh, क्यों डिक्लाइन कर रही है क्योंकि इनका हैबिटिट जो है वो लूज़ हो रहा है ना हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है ना कि क्यों डिग्रेड हो रहा है थ्रू ड्रेनेज कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन टू एग्रीकल्चर लैंड एंड प्लानेशन लैंड इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़ एंड डैम कंस्ट्रक्शन तो इन वजह से इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है जिस वजह से बेसिकली इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है ना तो ये आपको याद रखना है उसके बाद आके बात करते हैं एलियम निगायनम के बारे में निगायनम के बारे में ये क्या है ये एक अनियन की स्पीशीज़ है जो नई अनियन की स्पीशीज़ डिस्कवर हुई है कहाँ पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर के एरिया में जो कि विलेज का नाम क्या है मलारी विलेज तो मलारी विलेज में ये नई अनियन की स्पीशीज़ को उगाया गया है कहाँ है ये नीति वैली ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है ना एंड ग्रोज़ एट थ्री टू फोर मीटर अबव द सी लेवल तो यहाँ इतने सी इतने ऊपर सी लेवल पर इसको ग्रो किया जाता है है ना अल्पाइन मीडोज जो हैं उसको ये जो अल्पाइन मीडोज़ हैं है ना इनको जो उत्तराखंड या वो हायर यू नो एल्टीट्यूड वाले रीजनस होते हैं उनमें हम बुगियल्स बोलते हैं या भुगियाल भी बोलते हैं है ना वेयर द मेल्टिंग स्नो एक्चुअली हेल्प्स कैरी द सीड टू मोर फेवरेबल एरियाज़ तो जो मेल्टिंग स्नो से जो पानी निकलता है वो सीड्स को और ज़्यादा अच्छे एरियाज़ में जहाँ पे उनका यू नो प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है वहाँ कैरी करके ले जाता है है ना तो एलियम जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरा इन अमेरिलाइट डाकाई फैमिली है ना ऑफ हर्बेशियस और थ्रू आउट द ईयर ये प्रेजेंट रहती है और uh, जो है प्लांट्स देती है फ्लावरिंग प्लान्टे थ्रू आउट द ईयर देती है पेरिनलेस स्पीशीज़ है है ना ये आपको याद रखना है उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021 रिलीज़ की है किसने यू एन ई पी ने है ना uh, ये क्या ट्रैक करता है ये ट्रैक यही करता है कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए है ना जो एक्चुअली में प्रोडक्शन होना चाहिए और कितना हो रहा है उसके बीच में कितना गैप है, है ना वही वही ये बेसिकली मेजर करता है इट ट्रैक्स हाउ गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर सपोर्टिंग फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन थ्रू थ्रू देयर पॉलिसीज है ना इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर मेजर्स तो बेसिकली इसका मकसद ये भी है कि भाई ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा तब होगा ना जब आप फॉसिल फ्यूल ज़्यादा एमिट करोगे है ना तो वो भी ये मेजर करता है साथ में कि भाई गवर्नमेंट कितना स्टेप्स ले रही है अपने फॉसिल फ्यूल uh, जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए है ना की फाइंडिंग इसमें यह है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड में वो अभी भी ट्वाइस Uh, जो एमिशन है उसको उतना करेंगी है ना एज़ कम्पेयर टू जो इतना चाहिए हमको वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस को तक टेम्परेचर राइस को रोकने में है ना तो ये तो अभी इनएविटेबल है वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस राइस तो होना ही है ना क्योंकि इतने हम कोई एफर्ट ड्रास्टिक ले नहीं रहें कि जिससे हम ये कम करने वाले हैं बट हमारा गोल अब ये भी अब इन्होंने गोल वन पॉइंट फाइव से बढ़ाकर टू डिग्री सेल्सियस भी कर दिया कि भाई कम से कम टू डिग्री सेल्सियस है तो कम कर लो है ना ऑल वर्ल्ड गवर्नमेंट्स आर स्टिल प्लानिंग टू प्रोड्यूस मोर देन डबल द फॉसिल फ्यूज़ देन वॉट द वर्ल्ड रिक्वायर्स टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस समझ आ गया उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट दिब्री घर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना तो ये कहाँ हैं ये बरगाह डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के है ना फिर हीरा कुंड चैम हीरा कुंडैम जो है जो महानदी रिवर पर लोकेटेड है उसके नियर है ये है ना इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था कब एट्थ फेब्रवरी नाइनटीन एटी फाइव में यह आपको याद नहीं रखना है यहाँ पर क्या मिलता है ड्राइडेडियस फॉरेस्ट मिलते हैं है ना अब न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि वहाँ पे जो फैमिलीज़ रह रही हैं फ़ोर ट्वेंटी फैमिलीज़ जो हैं जो वहाँ पे नॉन कनेक्टेड विलेजेस है ना वहाँ पे रह रही हैं जीरो कनेक्टिविटी वाले विलेजेस हैं उनसे उनको रिलोकेट कर किया जाएगा है ना तो बस यही प्लानिंग चल रही है उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट अमूर फाल्कन्स है ना तो अमूर फाल्कन्स क्या है आर अमूर जिस अमूर फाल्कन है ना दिस अमूर फाल्कन ये एक माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं बेसिकली है ना तो इराप्टर फैमिली के हैं जो इंडिया में आते हैं है ना और इनका इंडिया में आ, जब माइग्रेट करते हैं तो इंडिया में इनका स्टॉप पॉइंट होता है नॉर्थ ईस्ट में है ना तो बेसिकली दे माइग्रेट थ्रू थ्रू द इंडिया एंड अक्रॉस द अरेबियन सी टू सदर्न अफ्रीका है ना तो वहाँ से ये सदर्न अफ्रीका में जाते हैं दोयांग लेक जो है नागालैंड में वो बेसिकली इनका स्टॉप हो रहा है वहाँ पर आपको ये बहुत सारे मिल जाएंगे है ना आई सी एन स्टेटस क्या है लीस्ट कंसर्न तो ये आपको याद रखना है आई यू सी एन स्टेटस क्या है इसका लीस्ट कंसर्न ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और नई तीन न्यू जो है फिश स्पीशीज़ मिली हैं है ना थ्री न्यू फ़िश स्पीशीज़ मिली हैं उनके बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी हैं तो देखो अबोर, अबोरिक थिस, अबोरिक थिस इनका बेसिकली फॉर नेम है तीनों का ही अबोरिक थिस और ये जो दूसरा नाम है ना ये चेंज हो रहा है पहले में है यूनियो बैरानिस फिर दूसरे में है बैरन पैनेसिस और चौथे में है पैलिन <laughs> चौथे में क्या पेलिन नैसिस सॉरी पेलिनसिस है ना तो ये तीन नई जो हैं वो है वो फिश की स्पीशीज़ हैं है ना बस इतना याद रखना ऐसे नाम में देख लो कि इस टाइप की स्पीशीज़ हैं तो ये फिश स्पीशीज़ हैं है ना ये तीन स्ट्रीम्स में मिलती हैं सैन की बराप और पालिन जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है है ना तो ये आपको याद रखना है उसके बाद एबोरिकथिस की बात करें तो ये बेसिकली इलॉन्गेटेड पतली बॉडी के बॉटम ड्वेलिंग फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं जो कि मॉडरेट और फास्ट फ्लोइंग वाटर में यू uh, नो you know, मिलती हैं जो माउंटेन रिवर्स की मॉडरेट और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं स्ट्रीम्स होते हैं ड्रेनेज होते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के वहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे है ना कहाँ मिलती है ये ईस्टर्न हिमालज में एंडेमिक है तो ये आप याद रखना ये जो एबोरिक थिस है दीज आर एंडेमिक टू ईस्टर्न हिमालयाज है ना फिर तो आपको याद रखना ईस्टर्न हिमालज में एंडेमिक है और ब्रह्मपुत्रा में के रिवर बेसिन में आप इनको स्पॉट कर सकते हो ठीक है समय आ गया उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट स्नो लेपर्ड ठीक है तो स्नो लेपर्ड बेसिकली इनका साइंटिफिक नेम है पैंथरा उनासिया उनसिया है ना हैबेटा डीलो कहाँ रहते हैं हमने पहले ही बात की है पिछले पिछले महीने के करंट अफेयर्स में भी हमने बात की थी ये कोल्ड हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में मिलते हैं है ना दिस इज़ स्नो लेपर्ड है ना ये कोल्ड हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में मिलते हैं बारह कंट्रीज में ये मिलते हैं कहाँ कहाँ पर चाइना भूटान नेपाल इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान रशिया एंड मंगोलिया है ना आयुसियन स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल है है ना और कंजर्वेशन के एफर्ट्स की बात करें तो ग्लोबली क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स या इंडिया क्या स्पेसिफिकली कंजर्वेशन एफर्ट्स ले रहा है तो उसमें है पहला हिमाल संरक्षक तो हिमाल संरक्षक एक कम्युनिटी वॉल्टियर प्रोग्राम है जिसमें हम स्नो uh, लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगे uh, जो लॉन्च हुआ था कब अक्टूबर टू में है ना दूसरा हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था अबाउट सिक्योर हिमालयस तो सिक्योर हिमालयस किसका प्रोजेक्ट है इसको फंड कौन कर रहा है गवर्नमेंट एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इस कंजर्वेशन एफर्ट को फंड कर रहे हैं जिसमें हम स्नो लेपर्ड को बेसिकली प्रोटेक्ट करेंगे यही इनका मकसद है है ना लोकल कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करके ठीक है तो गाइज <coughs> आज का लेक्चर आई गेस खत्म हो गया है ना बाकी हम uh, जो करंट अफेयर्स है थोड़े और टॉपिक्स बचे हैं करंट uh, ये इन्वायरमेंट के उसको हम अगले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे और फिर नया टॉपिक भी उसमें हम स्टार्ट करेंगे है ना तो थैंक यू सो मच फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन लॉग ऑन टू डब्ल्यू 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 डॉट द लेम वे डॉट कॉम है ना तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं गाइस है ना तब तक के लिए पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए एंड एम सी क्यू इस पर आ जाएगा तो एम सी क्यू भी प्लीज़ सॉल्व uh, करिए है ना उसमें हम अब पाँच क्वेश्चन नए स्टैटिक टॉपिक्स के भी इंक्लूड करते हैं तो आज हम कुछ और uh, नया स्टैटिक टॉपिक इंक्लूड करेंगे करंट अफेयर्स के साथ है ना तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर